गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो एक्सरसाइज 9 है, ठीक है, विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली से ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन उठाए हुए हैं और 11 से क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। और 10th तक सभी क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आता था तो उसको कमेंट सेक्शन में पहुँच के कमेंट कर देते थे तुम आप लोग। तो अब इसी के श्रृंखला पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसे कंटिन्यू आप कमेंट भी करते रहें, ठीक है, जिससे जो है कोई अगर डाउट आता है तो वो बेहतर रूप से आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। एक गुणोत्तर श्रेणी है, जैसे अगर मान लेते हैं कि a, a r, a r स्क्वायर, इनके जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 2n है, ठीक है। ये बात दे रखी है, यदि सभी पदों का योगफल, ठीक है, पदों का योगफल कामा विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार अनुपात ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखें कैसे बनेगा, यहाँ पर सिचुएशन देख लेते हैं। देखें पहले तो कंडीशन ये है कि जो पद है वो कितना है, 2n है। तो इसका मतलब क्या, एक बार देखें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, योगफल चाहिए ना, योगफल है यहाँ पे दे रखा है योगफल, ठीक है। तो S2n पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, S2n इक्वल टू हमारे पास दे रखा है विषम स्थान के, ठीक है। तो विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है, ठीक है। इसका तो एक बार बात समझो कि एक तो पहली सीरीज तो ये हो गई हमारे पास 2n वाली, पहली वाली, इसकी अगर बात करें S2n की, तो अगर इसका वैल्यू अगर निकाला जाए, देखें a की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, फार्मूला Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू कितनी है, a और ब्रैकेट में r ये हो जाएगा, ठीक है, पावर 2n माइनस 1 अपान r माइनस 1, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, इक्वल टू 5। अब यहाँ से बात समझो, विषम स्थान पर रखे पदों, एक सीरीज और दूसरी सीरीज है, वो दूसरी सीरीज कौन सी है, देखें वो है a, a r, ऐसे इधर इधर लिख देते हैं, ठीक है, थीके? जैसे दे रखा है कि a, a r स्क्वायर, a r क्यूब, ऐसे कहाँ तक, n तक है, यहाँ पे दे रखा है इसके विषम स्थान। विषम स्थान का मतलब क्या हुआ कि पहले a आएगा विषम स्थान पर, तो पहले 1, 2 तो विषम स्थान पर हो जाएगा, ये तीसरा आएगा, मतलब a r स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर में ये छूटेगा, ठीक है, फिर a r की पावर 4 आएगा, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, n तक, मतलब फिर समझे विषम स्थान के अंग, मतलब विषम स्थान पर जो संख्या, जो पद हैं, विषम स्थान मतलब विषम स्थान पर 1, 2 तो नहीं आएगा, 3, 1, 3, 5, 7 ऐसे पेजिस पे हैं पद, वो वाले लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब a r स्क्वायर a r पावर 4। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, r की वैल्यू r स्क्वायर आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, द्वितीय पद अपान प्रथम पद, ठीक है, ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखें एक बात समझें, यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी r की पावर n, ठीक है, तो r स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1, ठीक है, और अपान का कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा जा सकता है कि नहीं। अब देख लेते हैं क्या करेंगे, a r की पावर 2n माइनस 1 अपान r माइनस 1 इक्वल टू अगर देख लिया जाए 5, ये हो जाएगा r की पावर 2n माइनस 1 अपान r स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो ये वाला टर्म पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर देख लिया जाए, एक बात तो समझें, ये 5a बनेगा, यहाँ पे a बनेगा, यहाँ पे भी a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी ये कितनी निकल के आएगी, देखें ये बनेगी हमारे पास r स्क्वायर माइनस 1 अपान r माइनस 1 इक्वल टू 5, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको क्या ले सकते हैं, देखो इसको थोड़ा अलग लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या ले सकते हैं, r स्क्वायर माइनस 1 अपान r अपान r माइनस 1 को, देखो
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना, तो इसका अंतर क्या हुआ, ए प्लस बी ए ब्रैकेट में, ए माइनस बी ए ब्रैकेट में, तो आर माइनस वन ए ब्रैकेट में, आर प्लस वन ए ब्रैकेट में, तो इसका अंतर क्या हुआ कि आर माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा आर प्लस वन इक्वल टू फाइव, तो आर इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर। ए बार फिर से समझे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है, ठीक है। किसी गुणोत्तर श्रेणी के, दे रखा है क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, एक गुणोत्तर श्रेणी है कि पदों की संख्या सम है, यदि एक तो पहली लाइन को बस इतने समझ लो कि ये दे रखा है क्या कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के, एक गुणोत्तर श्रेणी है ये, ठीक है, इनके पदों की संख्या पहले हम लिखते थे, अब ये है टू है, ठीक है, यहाँ से इसका योगफल निकाल लें, ठीक, आगे देखें, यदि उसके सभी पदों का योगफल कामा योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का पाँच गुना है, मतलब क्या, इसका जो योगफल है तो विषम स्थान पर रखे जो पद हैं उनके योगफल का पाँच गुना है, तो मतलब क्या हुआ कि पाँच गुना ये वाला हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा भाई, ये वाला पाँच गुना है, तो इसका मतलब ये बैलेंस करने के लिए इधर पाँच गुना मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इसका मतलब क्या हो, विषम स्थान पर रखे, तो एक सीरीज ये है ए कामा ए आर कामा ए आर स्क्वायर कामा ए आर क्यूब, ये एंड कहाँ तक चली गई, एन तक चली गई, ठीक है, तो इसका अंतर क्या हुआ, देखें ये हमारे पास n तक पहुंची है, तो इसका अंतर क्या हुआ, एक बार देखें कि ये बनेगा कितना, n तक बनेगा, ये वैल्यू हमारे कहाँ तक बनेगी, n तक बनेगी, ठीक है, तो इसका अंतर क्या हुआ कि इसको क्या लिख सकते हैं कि विषम स्थान पे एक ये पद हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में मतलब ये तीसरा पद हो जाएगा, उसके बाद में ये हमारे पास कौन सा चौथा, ये पांचवा पद होगा, ठीक है, मतलब एक दो तीन चार पाँच ऐसे पद रहेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, क्लियर रहेगा। अब इसी के साथ में अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, देखो दे रखा है कि एक एक समांतर श्रेणी के प्रथम चार पदों का योगफल 56 है, अंतिम चार पद, अंतिम चार पदों का योगफल 112 है, यदि इसका प्रथम पद 11 है तो पदों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ से देखा है कि पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे, क्या प्रोसेस लगेगा, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको अभी बेहतर रूप से बताई जा रही हैं, ठीक है, बशर्ते आप लोग क्वेश्चन को नोट भी कर लें और संभव हो सके तो अपना फेयर स्टा जो बनाएं, ठीक है, क्योंकि किसी भी टाइम जो है स्कूल या विद्यालय में बुला के अब जो है आपको देखा जा सकता है, ठीक है, जिससे जो है आपको किसी भी प्रकार की परेशानी वगैरह ना हो, ठीक है, और आपको जो है अच्छे तरीके से हर चीज़ यहाँ पे बताई जा सके। चलें देखें कैसे क्या दे रखा है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताते क्या है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम चार पदों का योगफल 56 है, मतलब क्या है कि एस फोर दे रखा है 56, ठीक है, और साथ में हमको एक बात पता है कि यदि अंतिम चार पदों का योगफल 112 है, ठीक है, यदि
इसका प्रथम पद, देखो प्रथम पद कितना दे रखा है, 11 है, तो पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। हमको चार पद हैं, मतलब अंतिम चार पद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक Sn बराबर फार्मूला होता है n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला एक होता है कि नहीं होता है। तो Sn की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है। ठीक है, इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे हमको पता होनी चाहिए 4 है, इस टर्म के अनुसार 4 है, जो पहली वाली लाइन है इसके अनुसार 4 है, ये बात ध्यान से समझें। ठीक है, यहाँ पे पहली वाली लाइन के अनुसार कितना है इनकी वैल्यू 4 है, 4/2। ठीक है, 2 ए की वैल्यू कितनी है, 11, 2a। ठीक है, और प्लस n की वैल्यू कितनी है, 4-1। ठीक, और इनटू यहाँ पे देख लेते हैं d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं सिचुएशन क्या बनेगी। ये देख लेते हैं जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, ये हो जाएगा 14×56 और 14×28 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2×22 11×22 प्लस 3×d, ये इधर आ जाएगा, मतलब 6। डी की अगर वैल्यू देख ली जाए तो यहाँ पे निकल के आएगी कितनी, 3, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, डी इक्वल टू 2। डी की वैल्यू 2 निकल के आई, बात पकड़ में आई। अब देख लेते हैं आगे की सिचुएशन क्या दे रखी है। आगे की सिचुएशन है पदों का योगफल चाहिए। ठीक है, मतलब आगे की अंतिम पद, अंतिम चार पद, तो एक अंतिम पद n होगा, एक n माइनस 1 होगा, एक n माइनस 2 होगा और एक n माइनस 3 होगा। ठीक है, अब देख लो कि यहाँ पे इसका पद निकाल लो। ठीक, देखें टी एन इक्वल टू, देखो इधर ऐसे लगा लेते हैं इसको क्या ले सकते हैं, इसका टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 3-1 बनेगा इंटू डी, एन माइनस 1 होता है ना, यही निकल के आता है टी। अब इसके बारे में देखो, टी एन माइनस 3 निकाले थे ये, ठीक है, एन माइनस 2 निकाल लो, तो यहाँ पे कितना जाएगा, ए प्लस एन माइनस 2-1 इंटू डी बनेगा कि नहीं, एन टी एन माइनस 1 निकाल लें तो कितना जाएगा, ए प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एन माइनस 1-1 इंटू डी। उसके बाद में अगर देख लिया जाए टी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, भाई यही तो वैल्यू निकल के आएगी। तो देख लेते हैं इनका सबका योगफल, हमको पता है कि कितना दे रखा है, इनका सबका अंतिम चार पदों का योगफल 112 है, तो इसका मतलब इनको सबको जोड़ देंगे, 112 कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ए ए ए जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a बन जाएगा, 4a, तो 4a ये हो जाएगा, पहले इसको जोड़ देते हैं, 4a ये बनेगा प्लस, देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, ये n n n कितना हो जाएगा, 4n ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4, ये 4×3 7, 7×2 9, 9 और 1 10। ठीक है, तो ये 10 निकल के आ जाएगा, इंटू में कितना, d इक्वल टू वैल्यू कितनी जाएगी, 112। फिर से एक बार समझ लेते हैं ये क्या बनेगी वैल्यू, ये भाई n n कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, माइनस का अगर देख लिया जाए ये हो जाएगा कितना, 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 4, 4×3 7×2 9 1 10। ठीक है, ये जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं 4a a की वैल्यू कितनी है, 4a a की वैल्यू है यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो 11 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, 11 की वैल्यू लिख देते हैं, 11×11 कितना देगा, 44। ठीक है, तो इसको उठा के उधर फेंक देते हैं। ठीक है, और साथ में d की वैल्यू हमको पता है, d की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, देखें 4n-10 यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू, ठीक है, तो 112 से 144 को घटा देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, और बचेगा कितना यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा हमारे पास ये 8 हुआ भाई, यहाँ पे कितना हुआ, 12 से 4 को घटा देंगे तो 8 बचेगा, बचेगा यहाँ पे 10, मतलब 6। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, देखो ये हुआ 2×4n-10, इसको सॉल्व कर देंगे ये कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, तो n इधर आ जाएगा, मतलब 10 को इधर ले आएंगे तो ये वैल्यू दे देगा 4n इक्वल टू कितना, 4n इधर देख लेते हैं, ये दे देगा
फोर एन इक्वल टू 44, तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू कितनी 11। तो आंसर जो निकल के आएगा वो 11 यहाँ पे निकल के आएगा। तो कैसे सिचुएशन को कर रहे हैं वो सब बेहतर रूप से आपको समझ में आ रही है। यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछें, कमेंट करें, वो सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और देखें क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या दे रखा है देखें। आप लोग इसमें भाषा जो लैंग्वेज है वो भी लिखते चलें, ठीक है, जिससे जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है ए प्लस बी एक्स अपान ए माइनस बी एक्स, ठीक है, और इक्वल टू बी एक्स बी प्लस सी एक्स अपान बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपान सी माइनस डी एक्स। एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हमको दिखाना है, तो आप लिख दें हो तो दिखाएं या दिखाइए कि ए बी सी डी ए कामा बी कामा सी कामा डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं। देखो कैसे गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए अपान बी इक्वल टू बी अपान सी इक्वल टू सी अपान डी, ऐसे चीज़ें हमारे पास बन जानी चाहिए, ठीक है भाई। ए अपान बी बी अपान सी और सी अपान डी, अगर ये कंडीशन बन रही तो इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं कि इसका हम लोग यहाँ पे ये जो पूरा टर्म दे रखा है इसका योगांतरा अनुपात कर देते हैं, ठीक है ठीक है। तो अगर योगांतरा अनुपात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या बनेगा ए प्लस बी एक्स माइनस, यहाँ पे देख लिया जाए तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा प्लस का, ठीक है प्लस का या माइनस अगर पहले कर दें माइनस का ए माइनस का बी एक्स, ठीक है अपान, ठीक है क्लियर रहेगा। यहाँ पे माइनस का बी ये प्लस का ये बनेगा, ठीक है क्लियर रहेगा कि नहीं। या फिर इसको अब पहले हम जोड़ देते हैं, पहले अगर जोड़ देते हैं, ठीक है तो पहले अगर योग कर देते हैं योग, तो योग करेंगे तो ए प्लस बी एक्स प्लस का ए माइनस का बी एक्स, ठीक है पहले योग और फिर अंतर उनका अनुपात, ठीक है यही है योग अंतरा अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे देखें a माइनस ए प्लस का बी एक्स माइनस का a प्लस का बी एक्स, ठीक है इक्वल टू बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपान बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स। यहाँ पर देखा सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स, ठीक है देखो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, बी से बी एक्स कैंसिल और इधर देखो सी एक्स कैंसिल, यहाँ पे डी एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या कैंसिल, यहाँ पे ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचा क्या, ये बचा टू ए अपान टू बी एक्स, ठीक है इक्वल टू टू बी अपान टू सी एक्स इक्वल टू टू सी अपान टू डी एक्स, ठीक है टू से टू टू से टू टू से टू कैंसिल आउट एक्स 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 ए भी यहाँ से कैंसिल आउट, तो बचा क्या ए अपान बी इक्वल टू बी अपान सी इक्वल टू सी अपान डी। तो ये हमारे पास कंडीशन जीपी में हो जाएगी, क्लियर रहेगा कि नहीं। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ योगांतरा अनुपात लगा के इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो कैसे चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं वो सब चीज़ें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा योगांतरा अनुपात देख लेते क्या आता है, जैसे ए अपान बी दे रखा है इसमें योगांतरा अनुपात लगाते हैं तो क्या करेंगे, तो हमारा काम क्या होगा ए प्लस बी ऐसे करते हैं
और a माइनस बी ऐसे कर दें, पहले योग उसका अंतर और उन दोनों का अनुपात, तो ये होता है योगा अंतरा अनुपात। ठीक है, तो बात पकड़ में आई कैसे करना पड़ेगा। तो चीज़ों को एक बार फिर से स्मूथली देखते चले जाओ, यदि कोई डाउट आता है तो धीरे से कमेंट सेक्शन पहुँचो, कमेंट करो, ठीक है, और आपको सब चीज़ें बेहतर रूप से बता दी जाएंगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।